ये डायरी ले गया। हमें तो लग रहा है कोई जाने पहचान का होगा ऐसे आदमी, बस चीजों के साथ में कुछ चीजें भी आ जाती। हाँ ये भी हो सकता है। सुमे डायरी देखना किसी ले के आ कि क्या कर गया है? नहीं नहीं यहाँ पे अभी बताते बाद में। भाई को फोन आया था पीछे जो है वो था डिस्काउंट। बात कर कर के सम्मान नहीं रहा अंदर जो हमारा काम। बात कर मोबाइल वो बात किस कर रहा है मेरे को पूरा मालूम होगा। अब फिर जैसे ही निकला वैसे ही अंदर घुसेगा। अभी ये स्टॉक और उठा लेगा। तो क्या कैमरा कर इसने टोटल एंड्रॉइड फोन उठाया है। देखो बढ़ गया ना स्टॉक फिर। ये देखो मेरी वो ले गया है और रख रहा है स्टॉक। मेरी एक डायरी भी ले गया है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। सुबह जब शॉप का मेन शटर खोला गया तो गैलरी में हमारे चार शटर लगे हुए हैं और उन शटर में एक शटर जो है उठा हुआ पाया गया। जैसे उसके बाद में जब मेन शटर खोल करके देखा गया तो पता लगा कि अंदर का सामान गायब हो गया है। और उसके बाद में फिर मैंने 100 नंबर पर डायल किया जो कि 5 मिनट के अंदर में पुलिस प्रशासन आ गया। उसके बाद में एसओ साहब आ करके यहाँ पे निगरानी किया और फिर वो चले गए। फिर उसके बाद में डॉग स्क्वाड को उन्होंने सूचना करी, डॉग स्क्वाड आ गया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया, वो भी आ गए हैं। उन्होंने भी अपना काम किया बखूबी निभाया है और इस तरह से मुझे पूरा जानकारी हुई और मेरा लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास का स्टॉक गया हुआ है, जो कि अभी मैं तहकीकात कर रहा हूं क्योंकि मेरे बाद में डिस्ट्रीब्यूशन है जियो और एयरटेल का। तो स्टॉक के मैं अपने अकाउंटेंट को बुला करके बैठ करके उसको मैच करवा रहा हूँ। उन्नाव में नहीं रुक रही हैं चोरी की घटनाएं। आए दिन होने वाली चोरियों से लोगों में दहशत का माहौल पनप रहा है, लेकिन उन्नाव प्रशासन है जो अपनी गहरी नींद से जागने का नाम नहीं ले रहा है। उन्नाव के शुक्लागंज स्थित अदिति टेलीकॉम में आज चोरों ने कई लाख की चोरी को अंजाम दिया, लेकिन उन्नाव प्रशासन उस चोरी पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्नाव से पंकज कुमार, ईटीवी भारत।